और ये जो लोक हैं इनमें विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं रहती हैं। हाँ, लोकों के विषय में सबसे ऊपर का लोक ब्रह्म लोक, जहाँ भगवान ब्रह्मा रहते हैं, और वहाँ पर कुछ और जीवात्माएं ऊपर के लोक से, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 6 लोक ऊपर हैं और पृथ्वी 7 और नीचे भी है, कुल मिलाकर के 14 लोक पृथ्वी से नीचे। यानी उनका घनत्व थोड़ा ऐसा होता है, तो सूक्ष्म है, लेकिन वहाँ पर तमोगुण का प्रभाव अधिक होने के कारण या कुछ प्रकृति की ऐसी व्यवस्था होने के कारण ही वहाँ पर जीवात्माएं जो जाती हैं, विशेष प्रकार का उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, या जिन्हें दंड देना होता है या कष्ट भोगने के लिए वहाँ भेजी जाती हैं, उसका क्षेत्र ऐसा होता है। मैं थोड़ा नाम ले लूँ कि वो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, लोक होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोक हैं। इसके ऊपर भूलोक से सूक्ष्म हैं, उनके नाम हैं भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की जीवात्माएं होती हैं। हाँ, थोड़ा भुवर लोक थोड़ा विशेषता को लेकर मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। एक क्षेत्र में तमोगुणी शक्तियाँ होती हैं, जो तांत्रिक, जो तंत्र से संबंधित साधना करते हैं, यानी तांत्रिक टाइप होते हैं, उनका ज़्यादा संबंध होता है। अत्यंत शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं भुवर लोक के एक विशेष क्षेत्र में होती हैं। और एक क्षेत्र ऐसा है थोड़ा सा, जहाँ पर यहाँ जैसे कि उस साधक ने कहा, और विशेष क्षेत्र, वहाँ पर जब जीवात्मा पहुँचती है तो घोर कष्ट की अनुभूति होती है। वहाँ यमराज जी वहाँ के स्वामी हैं, और एक दूसरा उसी जगह पर अत्यंत निखरा हुआ बड़ा सुंदर धर्मराज जी, वो विशेष तरह का तराजू दिखाई देता। हाँ है, छोड़ो उस विषय। अब ऊपर आ जाए स्वर्गलोक, जहाँ भगवान तो नहीं, इंद्र नाम के देवता हैं, उनका क्षेत्र अलग है। उसी क्षेत्र में स्वर्गलोक में थोड़े क्षेत्र में पितरलोक होता है। पितरलोक में किसी प्रकार का जीवात्मा को कष्ट नहीं होता, यानी भूख प्यास से रहित होता। मगर भुवर लोक में जो क्षेत्र है जिसे नरक कह देते हैं, वहाँ जाते ही अपने आप कष्ट की अनुभूति होती है, उसकी संरचना ही ऐसी है। उधर नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत विषय हो जाएगा। इसके ऊपर जो महर लोक है, वहाँ पर ज़्यादातर भक्त लोग रहते हैं, और इससे धीरे धीरे जब वो होते तो भक्त और योगी रहते हैं। तप लोक में ज़्यादातर देखा है कि जो बड़े उच्च श्रेणी के योगी होते हैं वो वहाँ जाते हैं। ऊपर तो ब्रह्मलोक में एक विशेषता है, ब्रह्मलोक के मध्य में विशेष प्रकार की वायु बहती रहती है। फिर अगर इसका ज़्यादा बारीकी जाएगा विषय अलग, तो इस तरह की थोड़ी सी संरचना है मोटे रूप से। हाँ, अब चक्रों के विषय में हमने जो अभी बताया कि हम क्या हैं, संक्षेप में ही बताया कि जीव इस प्रकृति को, यानी अपरा प्रकृति को अपना समझता है, अपना समझते हुए यहाँ पर भोग कर रहा है, यही कर्मों का कारण बनता है, आसक्ति के कारण, और जन्म लेना पड़ता। अब आसक्ति के कारण यहाँ जो जीव जन्म लेता है, रिश्ते बन जाते हैं और कहते हैं ये मेरा। अगर गौर करें, इस विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा 2 मिनट, अगर गौर करें, हर जीव का कर्म अलग होता है। जैसे पूर्व काल में उसने क्या किया मालूम नहीं, अब वो पुत्र के रूप में आ गया, तो पिता कहता है ये पुत्र मेरा है। यानी वो चीज, उसका अस्तित्व तो अलग है, लेकिन दूसरे को अपना समझ लेते हैं, क्योंकि पुत्र रूप में हो गया। कोई भी रिश्ता हो, चाहे पिता हो, पुत्र हो, जितने हैं, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, दादा, ये मेरे हैं। हाँ, मेरे हैं, यहाँ नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, व्यवस्था कैसे होगी। यहाँ की व्यवस्था इसी तरह से है। अब थोड़ी देर के लिए, हर एक जीव के कर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पुत्र ने अगर गलत कर दिया, बाहर से झगड़ा करके आया, तो पिताजी पहले से बिगड़ गए कि मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल गलत नहीं है, उस पर उसकी कमियां नहीं निकालेंगे कि बाहर क्या करके आया। माँ पहले बिगड़ जाएगी, पिताजी बाद में बिगड़ेंगे, अरे भाई। अथवा दूसरी तरफ, नहीं तो फिर मतलब साधकाएँ नाराज हो जाएंगे मेरे से भी, ऐसा ज़्यादातर देखा गया, ज़्यादातर।
कि अगर किसी बच्चे ने शैतानी कर दी और कोई शिकायत करने आया तो पिताजी और माताजी अगर बैठे हुए हैं तो माताजी पहले करें, मेरा लड़का कभी शैतानी नहीं करता है, आप गलत हो। कहा ये बच्चे से नहीं पूछेंगे कि बेटा क्या किया, नहीं करना चाहिए। अगर वो पिताजी या तो चुपचाप हैं या तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाएगा। ये मैंने ऐसा देखा है, माफ़ी चाहता हूँ साधकाओं से, मैंने देखा। अब आ जाएं दूसरी तरफ, तो कहने का मतलब अब आ जाएं, भाई झगड़ा करके आ गया, 20-25-30 साल का झगड़ा करके आ गया पड़ोस में, तो कहेगा मैं अभी आता हूँ अपने भाइयों को लेकर के आता हूँ। भाई चाहे जितना अच्छा हो, तो भाई जो चुपचाप बैठा हुआ है, जब उससे कहा भैया पड़ोसी ने देखो मेरे ने ऐसे कर दिया, अरे चलो मैं अभी चलता हूँ उसकी पिटाई कर दूंगा, अर्थात कर्म उसके भाई ने किया गलत, झगड़ा किया एक जो दूर बैठा हुआ था, दूर का मतलब चाहे घर में हो, और वो चल देता उसको सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो मानता है कि मेरा भाई है। ये जो मेरापन है हमारा शिव का, ये मेरापन ही अज्ञानता के कारण बंधन में बंधते जाते हैं और अधर्म से युक्त कर्म करते जाते हैं, कि हमारी ही कमियां अर्थात अज्ञानता से युक्त होकर के हम कर्म कर रहे हैं। तो भैया दंड मिलेगा, दंड भोगो। कोई कहता मेरे पिताजी खराब हैं, कोई कहते हैं कि खैर माताओं को तो कम ऐसा आता फिर भी, लेकिन ये होता है कि मेरा पुत्र मेरे अनुसार नहीं हुआ। क्या हुआ? कर्मों के अनुसार आपको पुत्र प्राप्त हुआ, कर्मों के अनुसार आपके पिताजी प्राप्त हुए, भाई बहन प्राप्त हुए, किसको दोष दे रहे हो? अगर दोष देना अपने को दोष दो कि आपके साथ अच्छा भाई क्यों नहीं आया, आपका कोई अच्छा भाई क्यों नहीं बना, यानी जन्म क्यों नहीं लिया। दोष अपने में देखो, दूसरे में नहीं। अगर ऐसा करोगे तो भैया ठीक है, भोगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।